Good morning all. So in our previous class we discussed and we also completed mechanical properties of solid, and also we discussed about the different type of stress, strain, and how can we measure the strain characteristics with the measure of their modulus of elasticity. Okay, so in the recent lecture we discussed about the mechanical properties of fluid. ओके सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज फ्लूइड अबे को जे तोले सब्सटेंस हमें बोलते मिले हमें सब्सटेंस को डिवाइड करू छे सॉलिड फ्लूइड आ गुटे स्टेट था मिले प्लाज्मा आ गुटे था प्लाज्मा स्टेट ओके जतरा मैटर को हमें डिवाइड करले हम जे सॉलिड लिक्विड आ गुटे कहिले गैस किंतु सॉलिड आ लिक्विड आ गैस को कंबाइंड को छे फ्लूइड कंबाइंड को छे फ्लूइड आ गुटे पले थर्ड स्टेज अछि जेटा हम कहे प्लाज्मा स्टेट जोटा के रिसर्च चली प्लाज्मा स्टेट उपर जो मेनली से पढ़ुचे तीन टा कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड लिक्विड आउ गैस किंतु लिक्विड आउ गैस लिक्विड आउ गैस जेते लिक्विड आउ गैस गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हूँ फ्लो करें फ्लो करें कौटू ना गोटे हाई कनसेंट्रेसन रु लो कनसेंट्रेसन जब तुम पीटा पढ़ी थी वो तुम्हारे मैट्रिक रे एक्टी टाइप रो गए तुम जो विज्ञान बही थी ना विज्ञान बही देखो बोले एक टाइप रो गए किला सब्सटेंस जो हाई कंटेनर दिबो हाई कंटेनर अछि जदे इटा में ताको लो कंटेनर सहित गो फिल कर दबा ए जोडा कंटेनर रो तबे जदे दीटा भीतर किला में पास क्रिएट करबा एटा मन कर लो लिक्विड किला ए टाइप रो अछि तले हम देखबा जे लिक्विड टा या थ्रो फ्लो हे जाय कते जाय फ्लो हो ना जते जाय अपन कोन अछि ना जिके जक इक्विलिब्रियम स्टेट को आसी नाही जोडा तुम को विद्युत वैभव होता विद्युत वैभव होता सेटी टाइप रो पेपर देखि दे सेटी अपन कोन क्लिक फ्लो होय ना चार्ज फ्लो होय विद्युत वैभव होता रे देखि दिबो चार्ज फ्लो आसे चार्ज सेते हाई कंसंट्रेशन रो लो कंसंट्रेशन को थर्मल ला पडले टेंपरेचर टा फ्लो होबो हाई टेंपरेचर रो लो टेंपरेचर को तले के पर कोच पिले ना जो मैटर को जमे लिक्विड समान पाखर गोटे प्रपर्टी रोचे से फ्लो करो करेतु से फ्लो करपासीटी अच्छे तेरु लिक्विड आउ गैस को आम कंबाइनली कौन ना फ्लुइड फ्लुइड ओके सो फ्लुइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्लुइडा कौन एक्चुअली द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लुइड ओके फ्लुइड पाखर पे मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन आस जब हम फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करिबा फ्लूइड का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को जी देखो क्लियर फ्लो हो जी का भी हमें कुछ सॉलिड पाकरे कोन आसु छि ना एटम्स और मॉलिक्यूल फ्लो करिबार कैपेसिटी नाही जेतु एटम्स और मॉलिक्यूल फ्लो करिबार कैपेसिटी नाही किंतु लिक्विड पाकरे एटम्स का मॉलिक्यूल फ्लो हो जाउ छि काहे कि फ्लो हो छि देखो क्लियर फर्स्ट से क्लास रे कहितली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रे सॉलिड जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आसुची सॉलिड केस रे दैट इज वेरी हाई जे तो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स आसुची ईच मॉलिक्यूल छुडा को स्ट्रांग फोर्स रे बाइंडिंग रहले सॉलिड पाकर किंतु लिक्विड और गैस केस रे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आसुची पटे आ गुटे मॉलिक्यूल भीतर जो बाइंडिंग फोर्स आसुची से बाइंडिंग फोर्स टा लेस अछि जे तो लेस अछि त से माने कोन करि पाइबे बा जे तोला के लिक्विड गुटे कंटेनर कंसीडर करूचे लिक्विड कंटेनर माने करे वाटर मॉलिक्यूल देखो लिक्विड कंटेनर भीतर वाटर मॉलिक्यूल सब रैंडमली मूवमेंट करते रैंडमली मोशन करते ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट आसे ये मॉलिक्यूल का रैंडमली मूवमेंट करतो ये मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन करतो ये मॉलिक्यूल भी सब ये टाइप रे रैंडम मोशन करते था ये भी रैंडम मोशन करते समझ पिले तो जाने छे जदी पर कंटेनर गैस रखी दबा से गैस मॉलिक्यूल भी कोन होतांती रैंडमली मोशन करता है ये जो रैंडम मोशन में आसु जो मॉलिक्यूल कोन पाई ना बिकॉज ऑफ स्मॉल इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्मॉल इंटरमोलेक्युलर फोर्स जेते स्मॉल इंटरमोलेक्युलर फोर्स हो जी तेना में कहू छे एटम्स और मॉलिक्यूल का को इजीली मूवमेंट हो पाए सेकंड थिंग हम कहू छे मॉलिक्यूल का जेतु रैंडम मोशन ले अछंती रैंडम फ्लो करछंती रैंडम अरेंजमेंट
ओके सेकंड थिंग हमें कोचे जते माने रैंडमली अरेंज हे चंदी ताहले जतले हमें ताको फोर्स अप्लाई करिबा जतले फोर्स अप्लाई करिबा सो दे ऑलवेज कम अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ताको हमें नॉर्मल फोर्स ही होकेबा ओके सो दे डू नॉट एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्स ओके ताले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो पहले फर्स्ट थिंग मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट molecules arranged randomly molecules are randomly arranged hochi second thing hum kya karte the do not experience tangential stress samana ko pura tangential stress asibo nahi fluid do not have tangential stress The do not possess tangential stress. That is, there is some tangential stress causes one thing. That is, if tangential stress, so it is co modulus of elasticity associated with rigidity modulus. So fluids do not have rigidity modulus of elasticity. Rigidity modulus of elasticity. Modulus of elasticity rigidity modulus of elasticity third point hum koi pariba kon jete mane pochhte kon jete fluid bahar kon nahi na they do not have a rigidity modulus of elasticity another property chila hum koi pariba fluid can exert perpendicular force on the surface jete mane kone surface ami liquid ure container re rakhiche mane ka to bucket pe kichi liquid rakhi dilo मतलब ये टाइप का बकेट में लिक्विड रखे जाते देखो ये जो लिक्विड जो फोर्स पड़ेगा लिक्विड जो प्रेशर का क्रिएट होगा को सरफेस पर मैक्सिमम आसीबो जो सरफेस को से परपेंडिकुलर है तब ना ये जो फोर्स था बोले ये प्रेशर कहां होता आसीबो ये जो लोअर रीजन है ये के मैक्सिमम प्रेशर आसीबो तब मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएट होगा सो यू कैन से fluid can exert a force perpendicular to its surface perpendicular to its surface jese ka mile dekha yaha upar asibo ye surface upar bhi force asibo ye surface upar bhi force asibo kintu maximum force mile kaha upar exist karibo na lower surface liquid has
स्पेस यस सर ओपन दो टोटल स्पेस टोटल स्पेस अवेलेबल टू इट अवेलेबल टू इट तो पहले जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी वो सब उस स्पेस रे यस ओपन कर ओके ये तो सब उस स्पेस से ओपन कर पा रहे छी तो इट डू नॉट पोजेस एट डेफिनेट वॉल्यूम तो गैस पाकर कर रहे हैं निकले डू नॉट पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम सो गैस डू नॉट ए डू नॉट पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम गैस पाकर के डेफिनेट वॉल्यूम एक्जिस्ट करे ना ओके एनदर थिंग सर कोई कर कौन द लिक्विड पाकर के कौन अछि ना सरफेस टेंशन अछि ओके लिक्विड पाखरे सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी अछि तार माने लेयर अछि लिक्विड में जतो पर कंटेनर के ले लो देखो ओते ऊपर में स्मॉल लेयर क्रिएट हो स्मॉल लेयर से लेयर के कौन थाए ना सरफेस टेंशन क्रिएट सरफेस टेंशन हो जे फोर पर यूनिट ले फोर्स पर यूनिट ले तब क्या करे लिक्विड हैज फ्री सरफेस लिक्विड हैज फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन ऑफ इट्स ओन लिक्विड पाकर के लगे फ्री सरफेस अछि जो फ्री सरफेस पाइन ले हम देखि तो वर्षा दिन में पानी के जो वाटर रे जो हम ऊपर पके दो पहले से स्फेरिकल शेप में कैसे लिक्विड जे थोड़ी सरफेस अछि बा फ्री सरफेस अछि से सरफेस पाइन गोटे ड्रपलेट रो साइज प्ले स्फेरिकल हो जाए ड्रपलेट वाटर ड्रपलेट वाटर ड्रपलेट रो साइज कौन आसे स्फेरिकल आसे कहीं परफेक्ट सेप रेक्वेस्ट हो जाए कि गैस रही सेप ना बट तार किसी फ्री सरफेस एक्जिस्ट करे ना सो गैस डू नॉट हैव गैस डू नॉट हैव फ्री सरफेस गैस पाखरे कि फ्री सरफेस एक्जिस्ट करे ना बुझे आ कौन प्रॉपर्टी कहू छी हमे कहू छी इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडी छी लिक्विड केस रे कोन आसे वी इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके एटी कोन आसे अब कहि परे गैस केस रे जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाय बोले दैट इज वेरी नेग्लिजिबल गैस केस रे हम कहू छी दैट इज नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल इंटरमोलेक्युलर नेग्लिजिबल इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जेला ए डायग्राम में प्रॉपर्टी देखो जो बट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल गैस इज कंप्रेसिबल एटा ओके मदर ओके सेकंड थिंग देखो अभी ये स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टर को आछ स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टर को आछ पहले मैं स्टैटिक माने बुझे रेस्ट स्टैटिक माने बुझे कौन पहले रेस्ट दुईटा प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व बुझे गुटा है स्टैटिक प्रॉपर्टी ओके आउ से पहले को मैं डायनामिक प्रॉपर्टी स्टैटिक प्रॉपर्टी और डायनामिक प्रॉपर्टी पहले तो माने काइनेमेटिक्स पढ़ाई दिबो काइनेमेटिक्स डायनामेटिक्स पढ़ाई दिबो सेटा के दुईटा प्रॉपर्टी पहले ऑब्जर्व करो हमें स्टैटिक माने कौन कहू छे पहले रेस्ट स्टैटिक माने कौन कहू छे रेस्ट डायनामिक माने कहू छे पहले मोशन डायनामिक माने कहले पहले मोशन त दुईड पाखरे दुईटा प्रॉपर्टीज एक्जिस्ट करे उटा है स्टैटिक प्रॉपर्टी आ उटा कहू छे हमें डायनामिक प्रॉपर्टी ओके जतलो फ्लूइड रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करबा बाय टेकिंग फ्लूइड एट रेस्ट ओके यदि फ्लूइड रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करबा बाय टेकिंग फ्लूइड एट रेस्ट सतेबेले हम कहबा दैट इज फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स द फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड स्टैटिक्स यदि फ्लूइड रो हम
Ocean reservoir of fluid dynamics. Fluid dynamics. Fluid dynamics. So fluid static characteristics of fluid statistics called. Now it is the study of different characteristics or properties of a fluid by taking fluid at rest. Fluid at rest. जब तक फ्लुइड के लिए रेस्ट हो ची, तले सेक है, इसलिए मैं कौन-कौन पढ़ी बा, कौन-कौन पढ़ी बा, फ्लुइड स्टैटिस्टिक्स रे, मैं जब मैं इंक्लूड करी बा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आर्कमिडिस प्रिंसिपल Archimedes principle समझते जाने थे वो Archimedes principle जरा हम बोले कौन पढ़ी बात Pascal's law Archimedes principle Pascal's law then पढ़ी बात कौन principle of flotation ओके ये बात हो गई फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स अंतर्गत कौन कौन पड़ी बा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जतन लिक्विड का मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे के यूज करू छे से केस रे केमिति आसो छी सेकंड फ्लेम में जे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ओके थर्ड को जे पास्कल्स लॉ जोटा के हम बाइक रो ब्रेक रे यूज करू पास्कल्स लॉ ने को बाइक रो ब्रेक रे यूज करू आउट को जे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज प्रॉपर्टी बाय व्हाट वे हम सब पूरा के पड़ी बा फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सब पूरा पड़ ओके सेमे तो फ्लूइड डायनामिक्स रे प्ले कौन कौन आसो छी ना फ्लूइड डायनामिक्स रे हम पढ़ीबा मेले दी बर्नौली इक्वेशन बर्नौलीस इक्वेशन बर्नौलीस इक्वेशन ओके देन Torricelli's equation Torricelli's equation yeah correct okay Bernoulli equation kon ko chi na ta pipe re jo liquid flow ho chi to tumhe dekhi thabo pila tumhe jo motor gote flow kar gote pipe re liquid dekhe se tube bhitare jo ta liquid ta flow hoye tube ta bhitare jo liquid flow hoye ba je kono substance flow hoye se mane ko speed saman thai स्पीड समान थाय और से स्पीड का डिपेंड करे पिले तर एरिया ऊपर जदा मैं ट्यूब रो साइज सेम अछि देखो ट्यूब भीतर ऑलवेज लिक्विड कांस्टेंट स्पीड रे मूवमेंट करे सेटा हम पढेबा बर्नौलीस रे बर्नौलीस इक्वेशन रे सो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स सो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स कौन द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट फ्लूइड डायनामिक्स कौन सी स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन सो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फ्लूइड डायनामिक्स में कौन पढ़ेगा बर्नौली इक्वेशन एंड टोरिसेलिस इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन और टोरिसेलिस इक्वेशन ऊपर पढ़ेगा ओके बट लिक्विड रो फ्लूइड बतारो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स हो बा फ्लूइड मैकेनिक्स हो ना फ्लूइड डायनामिक्स हो दुईटा जको केस के तुम स्टडी करो फर्स्ट थिंग इज अ प्रेशर फर्स्ट थिंग आसे कौन ना प्रेशर फर्स्ट हमें जानना दरकार पिले जो लिक्विड जो क्रिएट करू छी जो फोर्स अप्लाई करू छी पर यूनिट एरिया सेटा का हम केबिते मेजर करबा ओके सो फर्स्ट थिंग द व्हाट हाउ द प्रेशर इज क्रिएटेड हाउ प्रेशर इज क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ ए फ्लूइड ओके सो फर्स्ट थिंग का पिले प्रेशर पर ओके हमें प्रेशर जब पढ़े छे फर्स्ट में मैंने तो डिस्कशन कर दिया पहले प्रेशर इज अ मेजर ऑफ फोर्स फॉर यूनिट प्रेशर इज अ मेजर ऑफ फोर्स फॉर यूनिट एरिया એટલે જ્યારે કે યુનિટ તમાર કોણ આસો છી ના પાસ્કલ SI ઓર MPa સે તો એટલે યુનિટ કે લેખવા યુનિટ ઓફ પી ધેટ ઇઝ SI ઓર MPa સે ન્યૂટન મીટર ટુ ધ પાવર માઇનસ 2 ન્યૂટન મીટર ટુ ધ પાવર માઇનસ 2 और जब वो ऐसे लिए पास्कल सर यूनिट को लिया जाए पास्कल सिंपल हो जाए पी ए ओके
per centimeter square. 9 per centimeter square होची बहालो the pressure का unit. कैसे जैसे dimension कैसा इसको पिले dimension of p हम कौन से p equal to f by a p equal to f by a a पर ऐसा n1 p minus 2 divided by पिले a वास्ता कहते area area पिले कहते हैं इसको l2 तला इसका पिले पिले m1 l minus 1 p minus 2 ओके बेटा भाई बोला मैं प्रेस कर ओके देखो पहले हमें मेजर करना व्हाट इज थ्रस्ट ओके थ्रस्ट पहले कौन आ सोचे देखिए देखो कोई सिंपल उटे एग्जांपल लगा जोड़ा कि तुम बुझिया भाई इजी होगा देखो पहले तुम वहाँ तो कौन करेंगे सपोज बड़े छोटा पत्थर डे बस इधर उठा तो मैं देखो पहले ये भी मन करो एयर है बहुत चाहे ये भी रॉकेट जैसे सिंपली उड़े फ्लो हो रहे छोटा पत्थर डे तो मैं इजीली तक उठ नहीं पा रहा हूँ मन करो सही तक कोई भी जो उड़े बोट्टा पत्थर डे अच्छी जार किलो करे वेट हो ची अराउंड 50 केजी तो तब कोई भी तुम लिफ्ट करिया भाई वो उठे भाई किंतु जति पिले सही ऑब्जेक्ट को पानी भीतर रखे देबे सही पत्थर डगो पानी भीतर रखे देबे एबे कोई भी ताको उठाओ एबे कोई भी उठाओ देखियो पिले वाटर भीतर सही सेम ऑब्जेक्ट को जोटा में एयर तक लिफ्ट करि पर नथिले वाटर रिकॉर्ड करि पाइबा ना इजीली हमें ताको ड्रॉप बा उठे पाइबा लिफ्ट करि पाइबा यदि इजीली हमें ड्रॉप करि पर चाहे ताको जनरली सही काटी के वाटर केस रे उठे स्टोर का कौन पाई इजीली लिफ्ट कर पाछे बिकॉज ऑफ थ्रस्ट थ्रस्ट फोर्स को जब अपवर्ड रोइ देखो पहले लिक्विड
बुझे ला पिले सो थर्स्ट बुझे आ पई से एक्सप्लेनेशन आ नबा प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखो पिले हम बुझे तो प्रेशर आसीला प्रेशर आसीला हम बुझे फोर्स बाय एरिया फोर्स बाय एरिया जे प्रेशर आसीला पिले फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर रो किछ एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करबा जे केमि हम प्रैक्टिकली प्रेशर को ट्रीट करू छे प्रैक्टिकली को डायग्राम ट्रीट करू छे प्रेशर देखो पहले बोले तो मैं केस देबी ए शार्प नाइफ बुझो ए शार्प नाइफ कैन कट शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव effective than blunt knife more effective than blunt knife more effective than blunt knife dekho pila hum ko sharp knife aur blunt knife ko kaise hoga शार्प नाइफ आउट ऑफ ब्लंट नाइफ का केस बदले हम को जो शार्प नाइफ है तो लो जो शार्प नाइफ केस कौन आ सुची ना इट इज इजी टू कट और शार्प नाइफ सिंपली के लिए देखो ब्लंट नाइफ केस रे कौन आसुची ना ब्लंट नाइफ केस रे एरिया
contact is larynx. Area is larynx. The area of contact is larynx. Area of contact is larynx. Area of contact is larynx. Then area of contact is larynx. Area of larynx. So pressure is asibo. Small asibo. So pressure is small. देखो पहले जैसे प्रेशर स्मॉल हो ची, सो यू कैन से दस, इट कैन नॉट कोर्स बेटर, कोर्स बेटर, मेरा पहले बेटर कोटिंग नहीं करी वो, ना, कुछ भी करी ना, तो ले प्रेशर मेन इफेक्ट कौन आ सोची, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल हो ची, ताहले जो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट हो आउट ऑफ प्लेन में इजीली नहीं परबा जदे हम पाद ऊपर है पाद उठे जकोन से नीडल बा छुच्ची ऊपर पड़ जाओ जैसे इजीली पी नहीं जाओ बा पाद तुम फस जाओ छोटा कंटा के तुम कोड़ा रे फस जाए सेटे हम प्रेशर कर दिया में होचे ओके जदे हम ऑब्जर्व करे प्ले वी कैन वर्क इन ए लार्ज नंबर ऑफ बेड ऑफ नीडल बट वी कैन नॉट वर्क ऑन ए सिंगल नीडल जदे हम प्ले वी छोटो सिंगल छुच्ची उठा पाद रे कोने जाओ जे इजीली फस जाओ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାର ସେଜ ଉପରେ ଯିବା ବେଡ୍ ଅଫ୍ ନିଡିଲ୍ ଉପରେ ଯିବା ଦେଖ ପିଲେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଡିଲ୍ କନସିଡର କରିବା ଏଇ ସେମ୍ କେସ୍ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ନିଡିଲ୍ ପାଖରେ ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ନିଡିଲ୍କୁ ନେଉଛେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନିଡିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନିଡିଲ୍ ପିଲେ କନସିଡର କରିଲେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନିଡିଲ୍ରେ ପିଲେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବ Thank you.
ही कह सकते देखो ठीक है होटल जदि जो फूड पोजीशन को देखिबा मैडम होटल को फूड पोजीशन को देखिबा देखो होटल जो फूड का है तो होटल जो फूड का पोजीशन है फूड पोजीशन इज वेरी लार्ज देखो एरिया का प्लेस को देखिबो एरिया का कोना से एक्सट्रीमली लार्ज एरिया को देखो फूड पोजीशन को ऑब्जर्व करिया पहले एरिया का क्रिएट हुए एरिया का क्रिएट हुए से एरिया का कोना से मिले एक्सट्रीमली लार्ज एरिया से देखो एक्सट्रीमली लार्ज एरिया से द लॉयर पर्सन द फूड एरिया ऑफ कैमल कैमल इज वेरी लार्ज देखो कि कैमल जो फूड एरिया का अच्छे तो पत्थर साइज का देखो देखो कि ये बहुत लार्ज है देखो एरिया का लार्ज अच्छे कि ये पी का मेरे को जो प्रोपोर्शनल वन बाय पी प्रोपोर्शनल तो वन बाय ये तब मैं प्रेशर टाइप कौन सी ला स्मॉल देखो प्रेशर टाइप ये स्मॉल आ सोची पी रोल वाला सी ला स्मॉल देखो प्रेशर स्मॉल हो ची सो इट कैन इजीली हुआ देखो प्रेशर के स्मॉल हो ची सो इट कैन तो दिनों पूछ पा रही हो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा ओके थैंक यू